गुजरात में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा को एक दिन पहले रद्द कर दिया गया है। गुजरात में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है, जिसके चलते 29 जनवरी को आयोजित होने वाली जूनियर क्लर्क परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। गुजरात के जामनगर, नौसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, महीसागर, सूरत समेत दूसरे शहरों में छात्रों के बीच काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से पेपर को रद्द करने का फैसला लिया गया है। पेपर लीक को लेकर गुजरात एटीएस ने जांच शुरू कर दी है और अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कि जो छात्रों का भविष्य है उसके साथ कोई तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एग्जाम एकदम फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए और इसके लिए पुलिस को एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में काम करना है। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन हमें मिले थे उसके बाद से गुजरात एटीएस और गुजरात पुलिस पूरी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में काम कर रही थी। गुजरात एटीएस पिछले 3-4 दिन से जितने भी शकमंद लोग हैं उनके ऊपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस के मार्फत उनके ऊपर कंटिन्यूसली वॉच रखी हुई थी। एंड ये जो गैंग हमने कल पकड़ी है, जिसके 15 आरोपियों को हमने पकड़ा है, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो अलग अलग राज्यों में काम करती है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और इसमें बहुत ही दुर्दांत आरोपी कह सकते हैं, इस तरह के आरोपी हैं जिनको हमने पकड़ा है। ये कुल 15 आरोपी हमने उस जगह से पकड़े हैं पेपर के साथ में। सरकार का बिल्कुल क्लियर मैंडेट था कि ये ट्रांसपेरेंट एग्जाम होनी चाहिए। जैसे ही सरकार के ध्यान पे ये बात को लाया गया तो उन्होंने छात्रों के, जो लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया। गुजरात के अलग अलग शहर और गांवों में परीक्षा देने आए परीक्षार्थी जब अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तब उनको परीक्षा रद्द होने की सूचना मिली। पूरा मामला सामने आने के बाद परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र अपना सारा गुस्सा सरकार पर निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एग्जाम कैंसिल हो गए तो मैं वापस अहमदाबाद जा रही हूँ। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? एक साल से, और मेरी जॉब भी चालू है तो उसी के साथ तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट है, और ये एग्जाम कैंसिल हो जाती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। अभी तो एग्जाम कैंसिल ही हुई है, लेकिन उसके जो भाड़ा खर्च के आते हैं लोग उसका वो देना पड़ेगा कर्ज में। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और हर बार वैसा ही होता है, तो लोग उसकी तरह से वो बहुत बुरा ही हो सकता है, लोगों पर बहुत भारी पड़ सकता है, और सरकार उसके लिए कुछ अच्छी सोचे और लोगों की भविष्य में वो निकाल लाए और लोगों की भविष्य बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर बार ऐसा होएगा तो फिर हमारी एज लिमिट के उसके अभाव से भी एग्जाम में हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, और एज हो जाने के बाद फिर लड़कियों का तो क्या है। कितने समय से तैयारी कर रहे थे? और 3 ईयर से। 3 ईयर से तैयारी, और हम तो बाहर रह के, गांधीनगर रह के वहाँ से आए हैं, वहाँ का भाड़ा यहाँ का भाड़ा क्या हो सकता है? अगर एसटी फ्री में सुविधा देती है फिर भी क्या है? गवर्नमेंट बोल रहे हैं डबल इंजन सरकार, लेकिन ये तो सिंगल इंजन भी नहीं है, तो खराब हो गई है सरकार। ये सब ये डबल इंजन सरकार का मतलब है डबल टाइम एग्जाम देने का, ऐसा थोड़ी रहता है, हर बार ऐसा होता है। 2014 से चल रहा है ये, 8 से 9 बार परीक्षा कैंसिल हुई है, सब तलाटी से वाला के सब बहुत कुछ एग्जाम कैंसिल हुई है।